students, I'm your teacher Laiba, Laiba Zenab, in, in front of you once again. So class, so be ready for my lecture but I am just going to teach you all this biology from many days until now, we are on my 41th lecture. Oh my god, I've done this all, I'm just challenged it. how I did that but for you I'm always available here for studies. So class, um, I'm just going to teach you all structure of seed. Structure of seed ko or So, what is structure of seed? Hambiye. A structure of seed consists of essentially, a seed consists of essentially of a seed coat and a young plant, then bureau. And the seed coat may be made of inner tegmen, उटर टेस्टा ऑन द सीट कोट दिल्ली है हम को कहते हैं। तो सीड एक यंग प्लांट का के अंदर एम्ब्रियो के नाम से मशहूर होता है सो द सीट कोट मेंउटर टेस्टा ये एक सीड है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर इनर टैगमिन कहलाता है और आउटर लेयर ऑन द सीट को अहिलम द स्कार व्हिच इंडिकेट्स द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ सीड इन फ्रूट इज प्रेजेंट एट वन एंड द सीट को अहिलम द स्कार व्हिच इंडिकेट्स द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ सीड फ्रूट इज प्रेजेंट तो इसके अंदर ये बात बताई है कि हिलम जो मौजूद होता है वो सीट कोट के ऊपर होता है यहाँ पे अगर सीट कोट है तो इसको हम सीट कोट कहते हैं एट द एंड ऑफ हिलम इज़ अ माइक्रोफिल और हिलम के एंड में माइक्रोफिल मौजूद होता है इट इज़ थ्रो अ माइक्रोफिल दैट सीड एब्जॉर्ब वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन यानी जब सीड मिट्टी के अंदर जर्मिनेट होने की कोशिश कर रहा होता है तो वो एक तरीके से वाटर बना रहा होता है तो सीड के अंदर वाटर प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी 24 घंटे मौजूद होती है द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन जो प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन के नाम से भी मशहूर है तो क्लास आज का लेक्चर का काफी एक्सटेंसिव है वन और टू सीड द देंट्स एंड एपी कॉटल के साम के बारे में भी यहाँ पे बहुत कुछ बताया गया है एपिकॉटल जो बाहर की हिस्से में एम्ब्रियो के बाहर के हिस्से में एपिकॉटल मौजूद होता है वन और टू सीड्स लीव्स द कॉटीलेंडन जब ये सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस से आ जाता है मिटोसेस इसके अंदर हो जाता है तो तो इसको कॉटिलेंडन यानी एक परफेक्टली बिल्ट सीड कहलाता है एट वन एंड हिलम इज द माइक्रोफिल एट वन एन हिलम इज द माइक्रोफिल इट इज टफ एन माइक्रोफिलेट सीट एब्जॉर्ब वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन इसमें यह भी बताया है कि सीट जब जर्मिनेट हो रहा होता है तो एक प्रोसेस है जिसका नाम है माइक्रोफिल सीड फौरन फौरन से इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है और वॉटर एब्जॉर्ब करने के बाद ही प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है याद रखिए प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन यानी सीड अपने साथ ही कुछ कर रहा है मतलब कि अगर आप उसको खुराक और पानी देंगे तो वो पौधा बनना शुरू कर देगा तो जर्मिनेशन यानी वो फूटना शुरू हो गया है इस बारे में इसका जिक्र किया गया है द सीड ऑल्सो कंटेन्स द फूड डिलीवर्ड फ्राम एंडोडर्मिस एंड टिश्यू इसमें ये बात बताया है कि इसके अंदर एक एपिडर्मिस होती है जो बाहर की एपिडर्मिस और एक एंडो डर्मिस, अंदरूनी लेयर कहलाते हैं कहलाती है एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस में टिश्यू बनना शुरू हो जाते हैं द फूड में रिमेन एज सच और मे बी डाइजेस्टेड एंड स्टोर्ड इन कॉटीलेंडेंस जो फूड होता है वो एक तरीके से जो फूड होता है वो एक तरीके से एक ही जगह स्टिफ तरीके से मौजूद रहता है और वो कभी भी डाइजेस्ट हो सकता है कॉटी भी बना सकता है कॉटिलैंड सीट जब एम्ब्रियो मिच्योर हो जाता है तो वो कॉटी बन जाता है पहले सीट शुरू शुरू में जब वो अपने प्लांट के साथ ही अटैच होता है यानी अपने पेरेंट प्लांट के साथ तो वो एम्ब्रियो कहलाता है और जब वो अच्छे से अलग हो जाता है सख्त सख्त ट्यूब्स उसके अंदर बन जाते हैं और वो मिच्योर हो जाता है तो वो कॉटी कहलाता है थर्द कॉटी लैंडन बिकम्स थिक डू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोर फूड तो वो हमेशा से थिक और सख्त हो जाते हैं जब वो फूड प्रिपेयर कर रहा हो तो क्लास में आपको एक एक करके सब कुछ समझा रही हूँ कॉडिलेंडे बिकम थिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोर फूड इसके अंदर कॉडिलेंडेट्स और मोटे होते चलते जाते हैं जब वो उसके अंदर फूड स्टोर होना शुरू हो जाता है द फूड इज सप्लाइड

वर्ड लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब होता है शील्ड बाहर की सख्त सतह। द फूड स्टोर इन सेक्टिलम इज़ यूज फर्स्ट ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड इसमें यह बताया है सेक्टिलम फूड सीट की जर्मिनेशन में काम आ रहा होता है सेक्टिलम एब्जॉर्ब द फूड ऑफ एंडोडर्मिस एंडोडर्म एंड सप्लाई द डेवलपिंग एम्ब्रियो और अंदरूने एक डर्म मौजूद होती है जो एम्ब्रियो बनाई हुई होती है और वो मिच्योर हो जाती है तो वो डिवेलप्ड हो जाती है तो क्लास सीड जर्मिनेशन की तरफ अभी हम आते हैं सीड जर्मिनेशन ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड एंड वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू द माइक्रोफिल एंड फॉर्मली डोमिनेंट एम्ब्रियो रिज्यूम्स द ग्रोथ एंड एंड ग्रोथ इमर्जेस फ्रॉम सीड द रूट इज नॉर्मली द फर्स्ट स्ट्रक्चर इमरजिंग फ्राम द सीड एंड ग्रोइंग रेपिडिटली एंड एब्जॉर्बिंग द वॉटर एंड मिनरल्स फ्राम दॉय इसमें यह बात बताया है तो क्लास ये एक प्रोसेस है सीड जर्मिनेशन का सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस इस तरीके से होता है कि सीड एक तरीके से फूट जाती है और फूट जाता है और आता आहिस्ता करके फैलने शुरू होता है और एक तरीके से बड़ा सा दरख बनने बनेगी पहले पौधा फिर दरख्त फिर उसका तना मोटा होता जाता है और फिर वो एक अच्छा खासा मोटा दरख्त तो बन जाता है बात याद रखिए जितना जितना एक सीड या एक प्लांट पुराना होगा उतना ही ज़्यादा ही उतना ही तन, उतना ही तना मोटा होगा यानी कि जितना दरख्त पुराना उतना तना मोटा होगा तो क्लास आज के लेक्चर में मैं आपको सीट की फॉर्मेशन की बारे में बताऊंगी। ये हैपोकीलियल कंडीशन है जब रेडिकल छोटा सा निकल रहा होता है जैसे कि यहाँ पे निकल रहा है प्रीम्यूल निकल रहा है यानी कि ये थोड़ा सा बड़ा है इससे और फिर यहाँ पे एपिडायल निकल रहा है इसके अलावा फर्स्ट फर्स्ट लीव फर्स्ट लीव्स की ओरिजिनेशन भी इसी दौरान होती है इसी तरीके से सीट की जर्मिनेशन हो रही होती है याद रखें सीड डॉर्मेंसी एक तरह का पीरियड होता है जब सीट सो जाता है ये प्रोसेस सर्दियों के मौसम में अमूमन आता है तभी तो साल में एक दफ़ा आपको बाहर के मौसम से पहले ही सीट यानी बीज लगाने या पौधे लगाने का प्रोसेस जारी होता है मैंने आपको पहले भी काफ़ी ज़्यादा इमरान खान की कुछ तंजीमों का नाम बताया था जो अभी इस एग्रीकल्चर के काम में यानी कि पाकिस्तान की आबो हवा को साफ रखने का काम कर रही है तो वो दरख्त उगाने का भी काम कर रही है यकीन है आपको इस लेक्चर में मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ काफ़ी बातों के काफ़ी बातों के बारे में कि दरख्त तो उगाना भी हमारे पाकिस्तान में ज़रूरी है बाहर के मौसम से पहले करोड़ों किस्म के दरख्त भी लगाए जाते हैं जैसा कि हमारे लीडर लॉन्ग टर्म गोल्स सजाए बैठे हैं जिसकी वजह से आजकल आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है तो लॉन्ग टर्म गोल्स में एक ये एक ये गोल भी है कि बाहर के मौसम में हर पाकिस्तानी अपने लिए एक दर लगाए ताकि वो सारे साल एक सुकून से अच्छे तरीके से ऑक्सीजन ले सके द ग्राउंड बाई एलोंगेशन ऑफ हाइपोकॉल हाइपोटोकॉल द टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन इज कॉल्ड एपिगीलियल एपिगिलियल सीड जर्मिनेशन एग्जाम्पल द सीड ऑफ मेलन्स कोकम्बर एंड बीन्स वेन द कोटीलेंडेंट और एम्ब्रियो बिलो द सॉइल एपी कोलोंगेट्स एंडिंग दूम दाइबिंग दिपुक लीगलिनेशन एग्जाम्पल द सीड ऑफ मेज इन ट्रेम क्लास इसमें आपको सीड के वो हिस्से के बारे में बताया है कि जब सीट पूरे तरीके से अंदर धंसा हुआ नहीं होता इसमें यह होता है कि सीड हल्का सा ऊपर होता है और जब वो निकल रहा होता है तो वो प्लांट इस तरीके से जिस तरह के डायग्राम आपकी बुक में बनाई है उ, उसी तरीके से बनाई जाती है उसी तरीके से बताया जाता है इसी तरीके से तरबूज जो है और मेलन तर खरबूजा जो है या पेटा कद्दू का वो स्पेसिफिक पौधा है जो ऊपर से ज़मीन के ऊपर ही उगाया जाता है वो ज़मीन के अंदर उग ही नहीं सकता तो क्लास आज के लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बहुत कुछ समझाया है तो क्लास पिछले लेक्चर में मैंने आपको जर्मेश टर्म्स बताई थी कि कौन से टर्म्स ट्रांसपायरेशन के लिए कौन अच्छी है वो मेरे स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर से शायद आपको याद हो तो क्लास कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड फॉर जर्मिनेशन टेक प्लेस द सीड मस्ट बी वेबल लिविंग And should be sufficient food for its germination. The food provide condition must exist. Moisture of water, A2, air, O2 and suitable temperature. दो तो क्लास इसमें ये बात बताई है। ये seed living seed सबसे पहले conditions को पढ़ने से पहले ही बता दिया है कि हमें एक seed को उगाने के लिए काफी specific conditions की जरूरत होती है। वो स्पेसिफ़िक कंडीशंस ये है कि सीट के अंदर मॉइस्चर हो पहला वो एक जिंदा हो ऐसा ना हो कि आपने अनफ्रेश या कोई भी ऐसा सीट लिया हो जो जान ही नहीं रखता हो उसको उगाने से पहले ही आपको एक और बात मैं बता रही हूँ कि आप सीट को उगाने से पहले ही उसकी खुराक का उसके पानी का और उसकी उसके फूड का अच्छे तरीके से ख्याल रखें तो फूड को तो सीट को उगाने का ये सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर सीड को उगाना है तो आपको एक तरह का प्रॉपर इन्वायरमेंट की ज़रूरत होगी तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे मॉइस्चर लेवल एयर लेवल और सुटेबल टेम्परेचर का जिक्र किया गया है ये तीन बेसिक ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप के एक पौधे को उगने में बहुत ज़्यादा मदद देती हैं इन कंडीशंस का ख्याल रखते हुए पौधे बड़े होते हैं और फलते फूलते हैं तो क्लास आपके पौधे जो घर में मौजूद हैं उनके अंदर ये ही चीज़ें मौजूद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है सबसे पहले मॉइस्चर दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा सुटेबल टेम्परेचर का जिक्र किया गया है तो क्लास मैं आपको मॉइस्चर यानी नमी के बारे में बताऊंगी। अगर हवा में नमी नहीं होगी तो प्लांट नहीं उग पाएंगे अक्सर प्लांट ऐसे होते हैं जिनको नमी की जरूरत होती तो नहीं होती ही नहीं है बस ऊपर से थोड़ा सा पानी उनको डाल दिया जाए और वो खुद नमी के साथ रहते हैं लेकिन अक्सर प्लांट को नमी की ज़रूरत नहीं होती वो खुश्क में ही उग जाते हैं जैसे कि के कैक्टस का प्लांट आपने सुना होगा जो कांटेदार प्लांट होता है वो कांटेदार प्लांट को अक्सर नमी की ज़रूरत नहीं होती इसके अलावा सुटेबल टेम्परेचर, तो सुटेबल टेम्परेचर के बारे में भी बात की गई है सुटेबल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो आप एक प्लांट को स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गर्मी अता करता है और वो गर्मी इस प्लांट को उगाने में बेहद ज़्यादा मैसर आती है और मुफीद भी होती है और इसके अलावा इसके अंदर बहुत कुछ और चीज़ें भी पाई जाती हैं ज, जो काबिल हैं तो हम बुक में लिखी हुई उन बातों को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल के साथ पढ़ेंगे तो हम अभी हम मॉइस्चर के बारे में पढ़ेंगे मॉइस्चर और वाटर थ्रू माइक्रोफिल द सीड ऑफ वाटर विथ स्वेल्स इट कॉजिंग सीड को टू ब्रस्ट दिस द रूट टू इमर्ज आउट ऑफ सीड वाटर एबजॉर्ब बाई जर्मनेटिंग सीड टू हेल्प टू एक्टिवेट द इंजाइम एंड टू डाइजेस्ट द फूड ऑफ सीड विच इज मेड अवेलेबल टू द ग्रोइंग एम इट ऑल्सो हेल्प टू इनगेट दाइप कॉटल एपी कॉटल टू ग्रो आउट मॉइस्टर ऑफ वाटर के बारे में मैं बताऊंगी तो मॉइस्टर ऑफ वाटर में यह आता है कि पानी सीड्स जो हैं वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं वो फूल भी जाते हैं और एक स्पेसिफिक कोट जो उनके अंदर मौजूद होती है उनको नरम होके वो बर्स्ट भी हो जाती है सीट की आउटर कोट का बर्स्ट यानी फटना लाजमी है अगर वो नहीं फटेगी तो जड़ें नहीं निकलेगी जो अगर पानी डाला जाए तो जैसे ही आपने देखा होगा जब भी आप बीज डालते हैं तो उसके ऊपर फ़ौर से पानी डालते हैं वजह ये है कि पानी ऊपर की कोट को नरम रखने के काम आता है और फौरन से उसके अंदर से रूट निकाली जाती है और अल्लाह ताला ने यह निज़ाम नेचुरली बनाया है वाटर इज़ एब्बॉर्ब एंड जर्मिनेटिंग सीड हेल्प टू एक्टिवेट द एंजाइम टू डाइजेस्ट द फूड ऑफ सीड इसके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जो फूड के फूड जो सीड की का फूड होता है वो पानी की मदद से जब जैसे ही पानी के मदद से आउटर कोट फट जाती है पानी जैसी उसको मिलता है तो वो फूड ऑफ सीड को डाइजेस्ट यानी हजम कर लेता है विच इज़ मेड अवेलेबल टू ग्रो द एम्ब्रियो ये एम्ब्रियो को ये वो चीज़ मैसर करता है जो एम्ब्रियो बढ़ाने की मदद करता है इट ऑल्सो हेल्प टू इलॉन्गेट द हाइपोकोटल एंड एपिकोटल टू ग्रो आउट ये हाइपोकॉटन और एपी पहली पहली जो शुरू शुरू की जड़ें हैं उनको निकलने के निकालने के काम आता है तो क्लास अब हम एयर के बारे में निकल पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म यूजली टेक्स ओवर आफ्टर सून आफ्टर अ प्लांट टू ग्रो ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर द जर्मिनेशन सो द एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जर्मिनेशन एंड इट कंटेन्स ट्वेंटी पॉइंट वन परसेंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज यूज जूरिंग रिस्पायरेशन इसमें ये बात बताई है कि एक सीट को 21% परसेंट ऑक्सीजन की ज़रूरत बेहद ज़्यादा लाजमी है जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन के बग़ैर पूरी दुनिया में कोई चीज़ भी नहीं रह सकती यहाँ पे लाइफ ही ऑक्सीजन की मदद से पॉसिबल है तो ऑक्सीजन के पास ऐसी टेंडेंसी है जो सीट को जर्मिनेशन में हेल्प करती है और एम्ब्रियो फौरन से फट जाता है और मेटाबॉलिज्म का यानी हाजमे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जर्मिनेशन का मतलब ही ये होता है कि एक चीज़ एक बीच फट गया और उसके अंदर से उसके अंदर से एक जड़ निकल आई जन ऑक्सीजन 21% परसेंट एक सीट को जर्मिनेशन के काम आने की मदद देती है और जर्मीनेशन बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सुटेबल टेम्परेचर जर्मीनेशन ऑफ सीड अकॉर ओवर अ वाइड टेंपरेचर रेंज फाइव टू थर्टी सेंटीग्रेड द ऑप्टिमम टेंपरेचर फॉर जर्मीनेशन ऑफ सीड ऑफ मोस्ट प्लांट्स रेंजेज फ्रॉम ट्वेंटी फाइव टू थर्टी सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेंपरेचर इज नेसेसरी फॉर द इंजाइम टू फंक्शन तो क्लास हम सुटेबल टेम्परेचर के बारे में बताऊंगी टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव से थर्टी सेंटीग्रेड तक एक एंब्रियो के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है पहले दो से ट्वेंटी फाइव सेंटीग्रेड तक जर्मिनेशन के लिए एक सीट की जर्मिनेशन के लिए बेहद ज़्यादा लाजमी तरीन है तो क्लास एक बात याद रखें कि सीट की जर्मिनेशन होती कैसे है सीट की जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और आसान तरीके से बहुत इजीली हो रही होती है तो क्लास इसमें आपको मैं ये बात अच्छे तरीके से बताऊंगी कि जर्मिनेशन का अमल बेहद ज्यादा लाजमी है जर्मिनेशन के लिए सुटेबल टेम्परेचर इसलिए जरूरत होती है कि आउटर मोस्लियर को पानी जब दे दिया जाता है हवा की भी उसको जरूरत होती है हवा भी जब दे दिया जाता है तो जब वो जैसे ही एक सीट फटता है तो उसके अंदर से रूट्स की ओरिजिनेशन होती है और रूट्स की ओरिजिनेशन होने के लिए फटने के लिए एक हाई अमाउंट ऑफ़ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हाई अमाउंट ऑफ़ एनर्जी उसे टेम्परेचर से ही मिलती है ग्राउंड के अंदर टेम्परेचर तो वैसे भी मौजूद होता है लेकिन ऊपरी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा लाजिम है तभी तो गर्मियों में लोगों को ये बात रिकमेंड की जाती है कि आप लोग अपने बीच गर्मियों के मौसम में लगाएं, हती कि सर्दियों के मौसम के क्योंकि सर्दियों के मौसम में सीड कभी भी जर्मिनेट कर ही नहीं पाते इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों के मौसम में सीड सीड्स की, की फॉर्मेशन और दरख्त लगाने का प्रोसेस हो रहा होता है क्योंकि गर्मी मौसम गर्मा में डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स भी आते हैं तो ड्राफ्टिंग का अपना एक सीज़न होता है क्लास आज के लेक्चर में मैंने आपको जो जो कुछ पढ़ाया वो बहुत ज़्यादा ईजी था यहाँ पे एक सीड कैसे उगता है एपिगोटल कैसे फॉर्म होता है हुक पेल्विस कैसे फॉर्म होता है रेडिएटा कैसे फॉर्म होता है सीड्स के किस तरह से प्रवेश में आता है और सीड्स किस तरीके से ग्रोथ हो सीड्स की किस तरीके से ग्रोथ होती है वो सब हम लोग इसी चैप्टर में इसी टाइम ही पढ़ेंगे सो क्लास सीट के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ डिटेल में बता दिया सो so क्लास इसी 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 चैप्टर के अंदर हम काफ़ी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में कल पढ़ेंगे आज के लिए मैंने अपनी टॉपिक को पूरा का पूरा हंड्रेड परसेंट दे दिया अगर आपको नहीं आता है समझ तो आप मेरी वीडियो दोबारा देखें और होप सो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या कौन क्या कौन सा पार्ट है जो जो ऑब्लिगेटरी चीज़ें होती है वो मैं सबसे पहले बताती हूँ इसके अलावा क्लास आप लोग सीड की जर्मिनेशन में एक चीज़ नोट करेंगे कि अक्सर बीज नहीं उगते वजह ये होती है कि उनको कीड़े ही सॉइल के अंदर मौजूद जो होते हैं वो खा लेते हैं तो एक तरह से अगर आप किसी सीड्स शॉप में जाएंगे तो वहाँ पे कभी भी आपने किसी भी चीज का पौधा बीज खरीदा तो बीज खरीदने का बीज खरीदा तो उसके अंदर तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ आप देखेंगे कि उस बीज के अंदर एक अजीब सा केमिकल लगा होगा जो उसको प्रोटेक्ट करता है किसी और चीज के किसी और कीड़े के खाने से तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा कि एक कि एक प्लांट को किस किस चीज़ की बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है तो क्लास आज के लेक्चर में आप सब लोगों के लिए इतना ही मुलाकात होगी अगले लेक्चर में अल्लाह हाफिज़